हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, और आज हम बात करेंगे रिवाइविंग कराची पर। जब हम बात करते हैं रिवाइविंग कराची की, तो याद आता है कि 1930 में कराची में हुई थी ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे बरसग़ीर के मेयर से शिरकत की थी, और उस वक्त कराची को पूरे बरसग़ीर का सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर करार दिया गया था। जी हाँ, ये वो वक्त था कि जब दिन में दो दफ़ा खाकरोब शहर की सड़कों पर झाड़ू देते थे और रात को पानी से शहर की तमाम सड़कों की धुलाई होती थी। तो ये तो आलम था सफाई का। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, तो अंग्रेज़ों ने इस पूरे बरसग़ीर के अंदर जिसमें आप समझ सकते हैं कि आज कितने मुल्क आते हैं और कहां तक रकबा जाता है, सबसे पहले ट्रेन जो है वो शहर में चलाई थी, और दरियाए सिंध पे जब तक ब्रिज नहीं बन गया इसी शहर के अंदर, और फिर आगे दरियाए सिंध तक जो है वो ट्रेन चलती रही। उससे और आगे हम बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान बनने के बाद जब ये दारुल खिलाफा बना, तो 1960 तक जब ये दारुल खिलाफा रहा, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये शहर तरक्की कर रहा था बल्कि ये मुल्क तरक्की कर रहा था। और जो हेड ऑफिसेज यहाँ पे बने, चाहे वो किसी बैंक के हों या PIA के हों या किसी के भी हों, तो उसने दुनिया में अपना एक नाम पैदा करना शुरू किया और हम तरक्की की जानिब जो आगे बढ़ते चले गए। सियासी लिहाज से बात करें, तो सियासत का एक अहम मरकज़ हमेशा से कराची तसव्वुर किया जाता रहा है, और उसमें उसके साथ साथ जो है हर क्योंकि मिनी पाकिस्तान रहा, माइग्रेशन बड़ी तादाद में ना सिर्फ तकसीम के वक्त हुई बल्कि पूरे पाकिस्तान से होती रही, तो हर ज़बान बोलने वाला शहर में, उसके अलावा और उससे बढ़कर हर मज़हब का की कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद, और सब मिलजुल कर जो है एक दूसरे को स्पेस देना और एक दूसरे की बात करना, एक दूसरे की इवेंट्स एक्टिविटीज़ में शिरकत करना, ये सब चीज़ें कराची का खासा रहीं, और इन सब चीज़ों की रिवाइवल की ज़रूरत है। और फिर एक वक्त ऐसा आया, ये सब चीज़ें ख़राब होती चली गई। अब कराची में दोबारा सिविल सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया है रिवाइविंग कराची का, इस पर आज हम खास तौर पर फोकस करके बात करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले हमारे साथ शबर जैदी साहब मौजूद हैं जो कि माहिर माशियात हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असफर अहसन साहब जो कि नटशेल कॉन्फ्रेंस के बानी हैं, इसके अलावा आप कॉर्पोरेट रिलेशन कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के भी फाउंडर हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्टिविस्ट हैं। तो पहले इस पर आपसे आगाज़ करते हैं, आप फरमाएं, सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पिछले 5-6 सालों में खासतौर पर ये बड़ा उभर के सामने आया है, तो आपकी क्या सोच है, क्या सोच के ये नारा आपने लगाया है? बेसिकली नारा नहीं है बल्कि सारे शहरियों की जिम्मेदारी है कि जो शहर का इस वक्त हाल है, और देखें दो किस्म के इशूज़ हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, सफाई है, रोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर एक कराची का जो रियल पोटेंशियल है, यानी जो कराची फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, कराची का ओवरऑल जो एक इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव है, तो बेसिकली यहाँ पर दिन ब दिन अगर आप देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चली बहुत सारे सालों, 20-25 साल तक यहाँ पर सिचुएशन रही, पिछले 3-4 सालों में वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, और उस पर भी हम समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आपकी जो पुलिस है उसको, उसमें आप रिफॉर्म्स लेकर आएँ, उसको आप ट्रेन करें, और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन कोलैप्स हो चुका है। तो हमने जो एफर्ट बेसिकली की वो सिविल सोसाइटी की तरफ से थी, जो नॉन पॉलिटिकल एफर्ट है, ठीक, और ये नारा नहीं था, बेसिकली एक एडवोकेसी कैंपेन है, और इसमें यही था कि हम डिफरेंट फोरम से अपनी आवाज़ उठाएं कि कराची को एक ड्यू अटेंशन जो चाहिए, जो कराची का एक जायज़ हक है वो उसको मिले, और उसमें हमने ये किया कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप थी पाकिस्तान की उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, और उनके साथ हमने डायलॉग का स्टार्ट किया, और ये कोई एक डायलॉग की हद तक नहीं है बल्कि ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम लगे हुए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इंगेज हैं, उसमें सारी पॉलिटिकल आपकी कॉर्पोरेट और बिजनेस लीडरशिप ने
पार्टिसिपेट किया, जो शहर की इंटेलिजेंसिया थी उसने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। तो ये स्टार्ट हुआ है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन, ये कोई नारा नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त आपने इसको एक 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 कंसाइज करके इसका इंट्रोडक्शन पेश कर दिया। शबर जैदी साहब, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक जगह जमा होना, डायलॉग करना, बैठना, तो मैंने थोड़ा सा माजी से स्टार्ट लिया अपनी बात का, और मैं माजी की तरफ ही जाऊं तो ये बात भी कही गई थी कि ये सोने की चिड़िया है, और उस वक्त कहा गया था कि जब इसकी आबादी जो है वो 3 लाख भी नहीं हुई थी, क्योंकि इसके महल वकू को देखते हुए, इसका गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया को देखते हुए इस शहर को। तो अभी भी क्या यही बात जहन में आती है कि जनाब फाइनेंशियल हिस्सा लोगों ने लेना है और उसी के लिए जो है पॉलिटिकल जंग चल रही है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये तो एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ कि कोई फ़ायदा लेना चाहता है, ये तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, मगर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर और बींग ए पार्ट ऑफ द मूवमेंट फॉर रिवाइविंग कराची, कि अगर कराची की इकनॉमी चलेगी तो पाकिस्तान की इकनॉमी चलेगी। ठीक, अगर आप कराची की इकनॉमी को या कराची के शहर को डेवलप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कराची से आइसोलेट होकर डेवलप नहीं हो सकता। ये हमें एक इकनॉमिक रियलिटी को बिलीव कर लेना चाहिए। अच्छा, उसकी जो बिलीव है वो किसी सियासी बुनियाद पे नहीं है। ठीक, उसकी नेचुरल ग्राउंड्स हैं। नेचुरल ग्राउंड्स ये हैं कि पाकिस्तान का शायद वाहिद शहर है जहाँ पर तमाम कम्युनिटीज रहती हैं, जो एक बहुत वायबल नेचुरल पोर्ट है, जो एक बहुत वायबल नेचुरल एयरपोर्ट है, जो एक बहुत वायबल इंटेलिजेंसिया और ह्यूमन रिसोर्स का क्लस्टर है, ठीक, जो एक बहुत वायबल स्टिल पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, उसमें कराची खराबी होने के बावजूद सबसे आगे है। ठीक, ठीक, तो जो कराची का पोटेंशियल है, बुरे से बुरे हालात के लोग आते रहे यहाँ पर, तो हाँ, यानी तकरीबन 6 लाख लोग हर साल आते रहे, उसके अलावा प्रॉपर्टी के रेट भी मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी बढ़ते रहे। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर इलाके डेवलप हो रहे हैं या बेहतर हैं, तो उनका आंसर ये है कि अगर वो डेवलप हो रहे होते तो फिर माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए कराची में क्यों होती। ठीक, आज भी जब माइग्रेशन होती है नॉर्थ से, चाहे वो किसी सूबे से हो, उसकी पहली डेस्टिनेशन कराची होती है, और वो कराची उसको अपने अपने अंदर समो लेता है और समोता रहा है। अब पोजीशन ये आ गई है कि मगर एक जमाना आया और एक दौर आया जब मैं समझता हूँ कि शायद फॉर वेरियस रीजन कराची को वो नेचुरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो डिजर्व करता था। ठीक, या हमने ये समझने की कोशिश की कि शायद हम कराची को आइसोलेट करके पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। ये कुछ एक सोच डेवलप हुई और उस चीज़ से सियासी महरूमियाँ पैदा हुई, फिर सियासी चीज़ें पैदा हुई और उसी के नतीजे आपको नज़र आ रहे हैं आज। तो आप एक, मेरा अपना ख्याल है, एक आम शहरी में भी और एक गवर्नमेंट के सर्कल में भी और पाकिस्तान के इकोनॉमिक थिंक टैंक्स में भी ये बात रियलाइज़ कर ली गई है कि अगर आप कराची के को एक बेसिक फाइनेंशियल कैपिटल कंट्री नहीं बनाएंगे और इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल सकती। ठीक है सर, वो तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं वो अपने पैरों में खुद ही खड़ी हो जाती हैं, तो कराची की बिजनेस कम्युनिटी, कराची का एक कमर्शियल सिटी होना, तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होती रही। जहाँ तक हिस्सा था कि फेडरल का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसमें तो हमेशा सवाल उठता रहा है। हुआ क्या इसमें, बात बड़ी सिंपल सी है। एक सब्जेक्ट जो मैं, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, देखिए हम सारी ज़िंदगी गुफ्तगू करते रहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन पर। ठीक, आपने भी सुना होगा, आपने भी 10 प्रोग्राम शायद किए होंगे। कभी किसी आदमी ने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन पर। ठीक, बिल्कुल ठीक, कि जो प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को, उसकी क्या बेसिस है। ठीक, तो कराची को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि कमीशन आज गलत है, हो सकता है सही हो, मगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में जो कुछ भी है आप उसे ट्रांसपेरेंट करें। ठीक, कि क्या उसकी बुनियाद आबादी है, क्या उसकी बुनियाद, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को आप ओपन करें और कराची को उसका हक दें, भीख नहीं दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, असफर ये फरमाएं, मैं आता हूँ सर आपकी तरफ वापस, कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि जनाब सिविल सोसाइटी निकल रही है और आपके साथ जैसे लोग जमा हैं, बस जो हाल इस शहर का रहा है पिछले खासतौर 25-30 सालों के अंदर, जो ऑनरशिप का फुकदान रहा है, जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, किसी भी शोबे के अंदर आप चलते चले जाएं, वो जो हालात हैं, तो आप सुनेगा सिविल सोसाइटी की आवाज़ सुन सकता है?
देखिए बिल्कुल आवाज़ सुनी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सरेंडर करके बैठ जाएं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे हमने अपना ये इनिशिएटिव लिया तो उसमें हमने सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बिठाया बल्कि शहर की इंटेलिजेंसिया की हमने बात की, मीडिया हमारे साथ उसमें खड़ा हुआ। और जब शहर के आपके पढ़ लिखे लोग, जो कारोबारी लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, जब वो एक साथ यूनाइटेड हो जाते हैं ना, और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप इंगेज होती है, जहाँ पे रूलिंग पार्टी भी होती है और अपोजिशन भी होती है, तो आपकी आवाज़ सुनी जाती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और हम कोई उसमें ये नहीं कहते कि आप हुकूमत की तब्दीली कर दें, हम कोई किसी पार्टी को क्रिटिसाइज भी नहीं करते। हम कहते हैं यार ये हमारा अच्छा अंदाज क्या होना चाहिए ऐसे सिविल सोसाइटी का, मतलब मुहज्जब अंदाज होना चाहिए, मुहज्जब अंदाज या प्रोटेस्ट होना चाहिए कि गवर्नर हाउस के सामने बैठ गए, चीफ मिनिस्टर के सामने बैठ गए, प्रेस क्लब के बाहर जो है बैठे हुए अपने बातें मनवाने के लिए। बेहतर तरीका होता है वो आपका डायलॉग के थ्रू ही होता है, और वो एक महज़ब अंदाज होना चाहिए। आप लॉजिकल बात करें, इश्यूज पे बात करें, और जो प्रोटेस्ट होता है वो समटाइम बिल्कुल पॉलिटिकल होता है, आप डायलॉग नहीं करते हो, आप प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी का मतलब होता है किसी के पर्स पे जाकर मोमबत्ती जलाना, ठीक है। ये सिविल सोसाइटी की मूवमेंट है, एंगेजिंग पॉलिटिशियन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफरेंट। ये मूवमेंट नहीं है कि एक सिविल सोसाइटी आइसोलेट चल रही है फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ये शायद वाहिद मूवमेंट है जिसमें सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल लीडरशिप को एंगेज करना ही उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उल्टा है ये, सिविल सोसाइटी ने एंगेज करना है पॉलिटिकल लीडरशिप को फॉर अ चार्टर फॉर द बेटर ऑफ कराची, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं, और वो जो चैलेंजेस हैं वो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स की भी ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है, हॉरिजॉन्टल भी बढ़ रहा है, वर्टिकल भी बढ़ रहा है, दोनों तरह से बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, कैसे देरपा अम मुमकिन है, कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुमकिन है, कैसे बेहतर ह्यूमन डेवलपमेंट मुमकिन है? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, बात हो रही है रिवाइविंग कराची पर। शबर जैदी साहब फरमाएं कि आपसे बेहतर और कौन फिगर्स दे सकता है। कराची ऑपरेशन हुआ और कराची ऑपरेशन के बाद एक कराची में जो खौफ की फिजा थी वो टूटी और एक खौफ ख़त्म हुआ, क्योंकि पिछले दिनों हमने CPLC के साथ प्रोग्राम किया तो किडनेपिंग फॉर रैंसम या एक्सटॉर्शन या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल 10% पे आ गई, 15% पे आ गई। मोबाइल स्नैचिंग अभी उसी जगह पर है, वो अभी भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद एक आम शहरी से भी पूछेंगे, कहेगा यार अब खौफ ख़त्म हो गया है, आज़ादी से बाहर निकल रहे हैं। आप क्या कहते हैं, 2-3 सालों में बिज़नेस किस जगह पर खड़ा हुआ है कराची का? देखिए पाकिस्तान कराची का जो बिज़नेस है वो डिस्पाइट बहुत ख़राब हालात में भी अपने आप को रेजिलियंस दिखाता रहा, और एम्प्लॉयमेंट में कोई कट डाउन नहीं हुआ। आप देखें एम्प्लॉयमेंट, लोग फिर भी कराची आते रहे, ठीक। जो जहाँ पे चीज़ रुक गई वो थी री इन्वेस्टमेंट, कि लोग री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, लोग फैक्ट्री को कन्वर्ट कर रहे थे गोडाउंस में, और यू नो अपने आप को मूव आउट कर रहे थे चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ज़ाती व्यू में लॉ एंड ऑर्डर, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो शायद बहुत लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म में फ़र्क है, ठीक। हम दोनों का शिकार रहे कराची में, ठीक। हम टेररिज्म का शिकार भी रहे और लॉ ऑर्डर का शिकार भी रहे, बिल्कुल ठीक है। टेररिज्म में वाइटल कमी हुई, ठीक। लॉ ऑर्डर में कमी में ग्रेजुअली होती है, मगर जो बिजनेस की रेगुलर ग्रोथ होती है वो तो होती रहती है, मगर री इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक मोमेंटम चाहिए होती है, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक। उसके लिए एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन के बाद वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, हो गया और उसके पीछे उसकी पॉलिटिकल रिप्रकशंस भी थी, ठीक है। उसमें जो चैलेंजेस जो बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ हमने प्रोग्राम्स किए हैं कराची में खासतौर पर, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू कराची में काफ़ी सालों से हल हुआ है, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर लाइट नहीं जाती, जो हम कराची से कंपैरिजन करें फैसलाबाद का, सियालकोट का, तो वो 10-15 साल में कराची बहुत बेहतर रहा इस मामले में। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो इशू है एक तो बलदियाती निज़ाम का है उन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, नंबर टू जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी बड़ी महंगी है, यानी अगर किसी को अपनी आप मुझे बताएं ये कंट्राडिक्शन नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि शहर नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब सोचे ना कभी, गौर से सोचो क्या मतलब हुआ। एक आप कह रहे हैं कि शहर नहीं चल रहा, तबाह हो रहा है, ये अफगानिस्तान है, और फिर आप कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, इसका मतलब हुआ कि इसमें इनहेरेंट पोटेंशियल है, ठीक ठीक।
अगर प्रॉपर्टी महंगी है इसका मतलब है ये आज प्रॉब्लम में है, मगर पोटेंशियल इनहेरेंट है। तो एक बात याद रखें, इस वक्त कराची का जो पोटेंशियल है उसके से उसके साथ से प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है। अच्छा, और लेकिन लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि पोर्ट कासिम या बहुत सारे नए एवेन्यूज जो हैं वो मैं कुछ अर्ज कर रहा था जी। आज 1000 गज का मकान कराची में मिलता है ना, बॉम्बे में उससे 10 टाइम प्राइस है, ठीक है ना, दिल्ली में उससे डबल प्राइस है। तो एक अर्बन सिटी के अंदर प्राइस हाई होना उसकी सक्सेस की अलामत होती है, ठीक ठीक है। मगर आप जो आपकी बात है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करना है कराची को, ठीक है, इसमें जो मैं बुनियादी बात बार बार समझाता रहा हूँ लोगों को और जो बात बहुत अहमियत रखती है वो ये रखती है, हमने इंडस्ट्रियल बेस को इस्तेमाल किया कि यार मैं ये इंडस्ट्री गदून में लगा दूँ, मैं ये इंडस्ट्री जाके टंडो मोहम्मद खान में लगा दूँ, जबकि उस इंडस्ट्री को लगने की रैशनल प्लेस कराची थी, ठीक सही, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं बनती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं IIT का इंस्टीट्यूट लगाना चाहता हूँ, ठीक, तो IIT का इंस्टीट्यूट कराची में ही रह सकता है, सही, IIT का इंस्टीट्यूट पिन दादा खान में नहीं रह सकता, ठीक ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी इन द पास्ट एंड आई थिंक स्पेशली फॉर द लास्ट 40 ईयर्स इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पॉलिटिकल प्रायोरिटीज से क्लैश कर गई, ठीक ठीक। अगर आप कराची की डाउनफॉल को इकोनॉमिकली कभी रियलाइज करेंगे उसकी वजह ये थी कि हमने माशी फैसले सियासी वोट बैंक पे किए, ठीक है। अच्छा, वो मैं अभी थोड़ी सी देर बाद आऊँगा इस पर कि जो कराची एक लावारिस शहर है नहीं है, ये जो सारी बातें होती हैं इस पर तरह आते हैं बल्दियात पे। लेकिन उससे पहले असफर ये फरमाएं कि ये जो पिछले 4-5 साल में हमने देखा कि सिविल सोसाइटी किसी न किसी सूरत में निकल के आ गए, मिसाल के तौर पर IIM कराची की मैं वैसे बात करूँगा कि जो शहर की दीवारें हैं उन्हें खूबसूरत किया गया, पेंट किए गए, कराची में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा आर्ट्स काउंसिल का भी, डिफरेंट NGOs का भी, म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले भी होती थी लेकिन अभी एक हम देख रहे हैं सिविल सोसाइटी के नेम सामने आ रहे हैं ज़्यादा। उसकी कहीं वजह ये तो नहीं है कि जो कराची में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जमात रही, सियासी जमात रही, एक वक्त ऐसा रहा कि हमने सारे रोल उनको दे दिए थे कि अगर ये कराची की लीडिंग जमात है और सारे वोट इसके पास जा रहे हैं या मेजॉरिटी सीटें जा रही हैं तो ये सब कुछ यही करेगी, सिर्फ किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जो है ना लोग बोलने के नहीं यार हमें कुछ करने की जरूरत है, शेयरिंग होगी, हाँ कुछ ऐसा कुछ। देखिए मेरे ख्याल में एक तो अवेयरनेस क्रिएट हुई है, दूसरी बात ये कि जब आपको स्पेस मिलता है ना तो आप वहाँ पे काम करते हैं, जब प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तो आप उसको अटेंशन देते हैं, तो एक बहुत बड़ी वजह ये हुई। फिर मीडिया के आने से बड़ा फर्क पड़ा है और ये जो सारी NGOs हैं ये पहले भी काम कर रही थी, आई थिंक आज ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर रही हैं। और आपने सही कहा कि बहुत सारी NGOs हैं यहाँ पर, बहुत सारी सेक्टर्स पे, एजुकेशन सेक्टर में बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम हो रहा है, SIUT आपकी बहुत पुरानी एग्जांपल है बट आज आप देख लें वो फर्दर एक्सपेंड हो रहा है, इंडस हॉस्पिटल है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें और हम शायद तहसीन पेश करते हैं इस बिजनेस कम्युनिटी को, सिविल सोसाइटी को, कि वो काम जो हुकूमत के करने थे खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, अच्छा वो रिप्लेसमेंट हो नहीं सकते गवर्नमेंट के, वो जारी बात है, वो 20% बहुत अच्छा काम कर रही है। अब उनके देखें पूरे पाकिस्तान में 2.25 लाख बच्चे वो कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर पूरे पाकिस्तान में आप देखें वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है वो तकरीबन 2.25 करोड़ है, तो स्टेट के बगैर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल सिविल स्टडी का अपना रोल है और मैं समझता हूँ पहले से बहुत बेहतर अंदाज में ये सब काम कर रहे हैं और पहले भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। मैं इसे शेयर कर रहा हूं, एक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं, एक सोच की बात कर रहा हूं कि कहीं ये सोच डेवलप थी कि वो शायद पॉलिटिकल पार्टी है, अब सब कुछ वही करेगी, सब कुछ उसी ने करना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। असल में जो पार्टी थी वो लोग कुछ निकले कि नहीं यार हमें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। असल में जो पार्टी थी वो लीडिंग पार्टी थी और इस शहर में उनका तोती बोलता था जी, और इस वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपकी NGOs थी और बहुत सारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले भी उसी अंदाज में काम कर रही थी, आज उनको शायद स्पेस मिला है। और एक बात मैं आप पे करना चाहूँगा जो इस वक्त मिसिंग है, जो हमने अपने इनिशिएटिव में इसको बार बार हाईलाइट किया है और उस पर तकरीबन सबका मौकफ एक है और उसमें हम क्रिटिसाइज नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो इस शहर की आबादी है, जो हम सेंसस की बात करते हैं तो जो 1.5 करोड़ की फिगर आई उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि खिलाफ तो नहीं कहूँगा बट उस पर दोबारा उस पर सैम्पलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल उस पर एरिया वाइज आपको सैम्पलिंग करनी चाहिए। जो वो पॉपुलेशन आपके डिक्लेयर की गई है ये अनरियलिस्टिक है और इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। एक तो वो है ना जो इस वक्त शहर को लैप्स हो रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है, सब कुछ वो अपनी जगह पर है, ये तो शॉर्ट टर्म चीज़ें होगी, ये 4-5 साल में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन
जो लॉन्ग टर्म उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये पुरजोर मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है और ये सबका मुतालबा है और इससे किसी भी सियासी बालादस्ती से ऊपर जाके हम बात करते हैं ये कि भाई जितने लोग हैं गिन दो सही तरह ने लोगों को कितने लोग हैं ताकि उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके, उस हिसाब से रिसोर्सेज आ सके, उस हिसाब से फाइनेंस आ सके। टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जिसकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, रिवाइविंग कराची के इनिशिएटिव पर बात हो रही है। शबर जैदी साहब, असफर एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों शख्सियात के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि कराची पे फोकस करके हमने भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। पिछले 2-3 सालों से हम काम कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अगर कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ख़ासतौर पर सिविल सोसाइटी को इंगेज करना, उनके जो काम है उसको आगे लेकर आना, खासतौर पर वल्नरेबल एरियाज़ में जाना, वहाँ क्या हालात हैं वो जो है मीडिया पर दिखाना, तो उस पर एक छोटा सा हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी हमने जो हमारा शो है कराची की बात, उसमें हम क्या कुछ रिसेंटली बिल्कुल इस 1-2 महीने की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम हैं लियारी के मशहूर और तारीखी ककरी ग्राउंड में। यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या? फेलियर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट से तो आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्रोविंसेस ने दे दिया, अब जब इनके पास आई तो ये उस पर चौधराहट करके सब जाए। हिस्ट्री जो है वो शहरों की हो, क्यों कहा था कराची इज ओल्डर देन पाकिस्तान। सिटीज की इम्पोर्टेंस जो है हमेशा रही है हिस्टोरिकली। कराची में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो बहुत जबरदस्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं में से एक इदारा SOS चिल्ड्रन विलेज है। कराची शहर की जो असल पहचान थी वो तालीम थी। जिस मुल्क में जागीरदाराना निजाम हुकूमत हो वहाँ कभी तालीम पनप नहीं सकती। नाज़रीन, आज हम आए हैं कराची में फुटपाथ स्कूल में। तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। नाज़रीन, कराची की बात आज हम करने आए हैं कराची के डिसेबल पर्संस के साथ। हम हमेशा कहते हैं ये लोग हैं डिसेबल नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि पीपल विद स्पेशल एबिलिटी है। साहब, बहुत कोशिश रही हमारी कि बहुत मेहनत करते हैं पूरे हफ्ते हम कराची के इश्यूज़ को दिखाने के लिए और वल्नरेबल एरियाज पे जाना, बिजनेस कम्युनिटी के पास जाना, सिविल सोसाइटी के पास जाना, एजुकेशनल हेल्थ सेक्टर, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ जाके आवाज़ रेस करते हैं। तो ये सबकी मिल के जद्दोजहद होगी तो शहर आगे बढ़ सकेगा। देखिए, मैं एक बात को, अपनी पहली बात को क्लैरिफाई कर दूँ, जो आने वाली दुनिया का इकोनॉमिक और पोलिटिकल पैराडाइम है जी, वो नहीं है जो पास में था। ठीक, अगर आप चाइनीज़ डेवलपमेंट को देख लें, आप इंडियन डेवलपमेंट को देख लें, सिंगापुर को देख लें, तो वो अर्बन सिटी का क्लस्टर है जो कि एक ग्रोथ को मोमेंटम दे रहा है। ठीक ठीक, और उस क्लस्टर के, वो क्लस्टर आगे चलाता है बाकी मूवमेंट को। ठीक, और उस क्लस्टर के अंदर एक फाइनेंशियल सेंट्रलिटी होती है। ठीक ठीक है, हमने पिछले 40 साल में वो क्लस्टर डिमोलिश किया। ठीक, इंटेंशनली और इंटेंशनली वो डिमोलिश किया। और उसका बुनियादी रीज़न ये था कि रीज़न था और जो आज भी है कि कराची की जो पॉलिटिकल फोर्स थी वो नेशनल पॉलिटिकल फोर्स से अलाइंड नहीं थी। ठीक ठीक, इसको हमें एडमिट करना चाहिए। सर, पॉलिटिकल फोर्स क्या, हम यहाँ बैठ के महसूस कर रहे होते हैं मीडिया के अंदर कि हम लेट अस बी कोने पे बैठे हैं। अच्छा, सभी कुछ ऐसा होता है। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि इन नियर फ्यूचर ये चेंज भी नहीं होगा। ठीक, नियर फ्यूचर चेंज भी नहीं होगा और चेंज करने की कोशिश, जबरदस्ती चेंज कोशिश करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक, हमें फेडरलिज्म को समझना चाहिए कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। दुनिया में अब पॉलिटिक्स वो नहीं है जो 1970s में और 60s में होती थी। ठीक है, अब एक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का होता है ऑन द लार्जर इकोनॉमिक एजेंडा। ठीक,
हमने इस चीज़ को नहीं समझा और इस नहीं समझने के जिक्र में हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को पॉलिटिसाइज किया। उसका सबसे बड़ा विक्टिम कराची रहा। ठीक, अच्छा कराची, अब मैं वो कराची नहीं रहा, उसका सबसे विक्टिम अल्टीमेटली पाकिस्तान रहा। ठीक, ऑफ कोर्स। अच्छा, जिस तरह आपने अपनी बात शुरू की थी कि PIA और जो चीज़ें थी, जब तक वो कराची से कंट्रोल हो रही थी, वो चीज़ें सही चल रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कराची में अच्छे लोग थे और बाहर लोग बुरे लोग थे। हर सोसाइटी की एक डायनेमिक्स होती है। ठीक, उस डायनेमिक्स को यूटिलाइज करना होता है। हमने जो रिवाइविंग कराची में जो हमारा जैसा कह रहा है, हमारे दो बुनियादी सवाल हैं। पहला बुनियादी सवाल ये है कि पहले मैं ये नहीं कहता कि सेंसस कह रहा है 1.5 करोड़ आबादी है, ये गलत है, मगर क्या इस सेंसस को एक्सेप्ट किया किसी ने? ठीक, कराची का कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, चाहे वो PTI वाला हो, चाहे वो जमात वाला हो, चाहे वो MKM वाला हो, चाहे वो PMLN का हो, वो ये कह रहा है कि ये फिगर ठीक नहीं है। ठीक, मैं इस पर अथॉरिटी नहीं हूँ कि फिगर ठीक है या गलत है, बट एटलीस्ट इस पर ट्रस्ट गैप आ गया है। बिल्कुल, एक ट्रस्ट गैप है बिटवीन कराचीआइट्स और ये वफाक की, यानी एक आम शहरी एक आसान अल्फाज में कहता है कि ये वफाक की कोई बदनीयती नजर आ रही है। मैं इसलिए कहा ट्रस्ट गैप है ना, ट्रस्ट गैप है ना, उसके उसको आवामी अल्फाज में, हां आवामी अल्फाज में, उसको बदनीयती में इस्तेमाल नहीं करता वर्ड, मैं कह रहा हूं एक ट्रस्ट गैप है। ठीक है, आप ट्रस्ट गैप को ब्रिज करें। अगर आप ट्रस्ट गैप को ब्रिज नहीं करेंगे तो नफरतों को प्रमोट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अब कमिंग बैक टू द जो सोने की चिड़िया वाला बड़ा सवाल बुनियाद जहाँ से शुरू की थी, सोने की चिड़िया नहीं होती। फाइनेंशियल कैपिटल हमेशा किसी भी कंट्री का, पोर्ट सिटी हमेशा किसी भी कंट्री का एक्सचेकर का अर्निंग बेस होता है। ठीक, मुझे तो उन माशियतदानों पर और उन पॉलिसी विजर्ड पे अफसोस होता है जो ये समझते हैं कि कराची की इकोनॉमिक्स अगर नहीं चलेगी तो अभी मुल्क चल सकता है। उसका मतलब है उनको पाकिस्तान समझ ही नहीं आया। ठीक, ठीक है, उनको पाकिस्तान सर आपके एक जुमले में बात आ गई। सर मैं दोबारा आपके साथ हूँ। असर जरा फरमाएं, आपने बड़ी दुनिया घूमी है, हम भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कहीं जाते हैं और खासतौर पर वर्ल्ड जो टॉप 20 सिटीज़ हैं उनमें बहुत से शहरों में आप गए होंगे, मैं भी बहुत से शहरों में गया हूँ जो आबादी के लिहाज से, महसूस होता है हर फुटपाथ के ऊपर, हर सिग्नल के ऊपर, किसी भी छोटे से इदारे के ऊपर कि कोई वारिस है यहाँ का, कोई है जो देखता है शहर को, जिसकी वजह से ये शहर चल रहा है। कराची में ये समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ की चीज़ों का वारिस असल में है कौन, इसको चला कौन रहा है, इसको देख कौन रहा है। तो ज़रा इस पर फरमाएं, इस पर क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इसका एक दूसरा व्यू भी है। और दूसरा व्यू ये है कि हमारी जो शहरी आबादी है, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। देखिए, चीज़ आपके अपने घर से शुरू होती है और जो सिविलाइज सोसाइटी होती है ना, वो अपने मसलों को खुद भी सॉल्व कर रही होती है। ठीक है, गवर्नमेंट का तो रोल है, बट जहाँ गवर्नमेंट रोल प्ले नहीं कर रही, तो कम से कम अपने इलाके की हद तक, अपने सराउंडिंग्स की हद तक, हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू शेयर देता है वाला, और फिर उसके बाद भी सभी कुछ हम कुछ कर नहीं करें, बात भी नहीं है, तो फिर आप ये तो नहीं ना कि आप सिर्फ ब्लेम गेम ही करते रहे, तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी करें, हम भी करें मिलकर, हम करें। मैं ही नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन अवाम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम अगर इलाके में आपका कचरा पड़ा है, इलाके में गटर बह रहा है, कितने लोग जाके कंप्लेंट करते हैं? ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ठीक है, हम एंड की तरफ जा रहे हैं। आपके फ्यूचर स्टेप्स क्या हैं? फ्यूचर स्टेप्स ये हैं कि एक तो हम कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कुछ प्रोजेक्ट्स का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, उस पर हम इंशाल्लाह ताला इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरा जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसको हम बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हम इलेक्शन ईयर में दाखिल हो रहे हैं 2018 में, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम है। और मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक तरफ ठीक है पूरे वो मुल्क की पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, बट कराची को अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो मैं ये कहूँगा वो सियासी तौर पे यतीम शहर हुआ हुआ है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक, ये और किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक, ये 2018 में पता चलेगा इलेक्शन टाइम पर होते हैं, कि यहाँ की लीडिंग पार्टी कौन है, या एक हंग पार्लियामेंट आती है, ये जो भी सिलसिला बनता है। इंजीनियर्ड इलेक्शन नहीं होते, मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे, इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे। और आवाम को चाहिए भरपूर पार्टिसिपेट करें। और एक मैसेज मैं आपके उससे जरूर दूंगा जो हम हमेशा देते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी चाहिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप कह लें, रूलिंग एलीट कह लें, जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के और इस शहर के, कि कुछ जो बड़े मसले मसाइल हैं ना, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और कुछ मसले हैं, उन पे कम से कम अपना कंसेंसस डेवलप करें। सर लास्ट पॉइंट क्या है? कराची का इशू लाइक एनी अदर डेवलप्ड सिटी इन द वर्ल्ड, ये अर्बन रूरल का इशू है। ठीक है, और इसको आप अर्बन रूरल को एथनिक पॉइंट में नहीं रह लें, कोटा सिस्टम में भी ना ले। नहीं, अर्बन रूरल के अंदर एक
इकोनॉमिक डिफरेंसेस आए हैं दुनिया में हर जगह, ब्रेग्जिट में भी यही है वो है। तो कराची का पठान हो या कराची का बलोची हो या कराची का उर्दू स्पीकिंग हो, वो कराचियाइट के मसाइल को देख रहा है। ठीक। और एक रूरल सोसाइटी के अपने मसाइल हैं। ये जो अर्बन और रूरल का जो क्लैश है और जो सुपरमेसी आई है रूरल की ऑन अ पॉलिटिकल एरिना, उसने कराची को यतीम कर दिया है। ठीक। और उस यतीमी को आपको किसी मैकेनिज्म में धोना है, सिर्फ सियासी नारे में नहीं धोना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस पर आपका शबरदेव साहब आपका, और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है रिवाइविंग कराची, और जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है इसी तरह और जो सिविल सोसाइटी में लोग इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, क्योंकि इस नस्ल ने तो किसी ना किसी तरह वक्त गुजार दिया है, लेकिन अगली नस्ल के लिए बड़ा मुश्किल है कि अगर आज से काम नहीं हुआ, आज से प्लानिंग नहीं हुई, तो अगली नस्ल जो है वो इस शहर में नहीं रह पाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका जो हाल है, मतलब किसी भी शोबे के अंदर आप देख लें, तो उसके लिए अभी से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की और ह्यूज प्लानिंग्स की और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, और जो इसका हक है शहर का, जो बजट इस पर लगना चाहिए, और इंशाल्लाह ये, क्योंकि बहुत सी बातें रह गई सर, आप लोगों का माशाल्लाह जो इल्म है, जो सोच है, उसके हिसाब से टाइम हमारे पास कम था, लेकिन इस पर दोबारा सिटिंग होनी चाहिए, दोबारा बैठेंगे ताकि तफसील से इस पर बात कर सकें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल पाकिस्तान का।